भारत सरकार द्वारा देश के बेस्ट शहरों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कर्नाटक के बेंगलुरु को पहला स्थान मिला, तो वहीं दिल्ली टॉप 10 शहरों में भी शामिल नहीं हुई, बल्कि दिल्ली 13वें स्थान पर है। यूं तो दिल्ली शहर देश की दांत है, हर कोई यहां आना चाहता है, यहां की लाइफस्टाइल बेहद पसंद करता है, और हो भी क्यों ना, दिल्ली आखिर देश की राजधानी है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत सरकार द्वारा जारी की गई ईज ऑफ लिविंग की लिस्ट में दिल्ली टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे डिसाइड होता है ईज ऑफ लिविंग का इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पहली बार साल 2018 में जारी किया गया था। ये सूची सरकार, पहचान और संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, किफायती आवास, भूमि योजना, पार्क, परिवहन, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण की गुणवत्ता जैसे 15 मानकों के आधार पर तय की जाती है। तो देखिए इस साल ईज ऑफ लिविंग में किस शहर को कौन सा स्थान मिला है। ईज ऑफ लिविंग 2021 लिस्ट, 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों की लिस्ट में बेंगलुरु पहले स्थान पर, पुणे दूसरे, अहमदाबाद तीसरे, चेन्नई चौथे, सूरत पांचवे, नवी मुंबई छठे, कोयम्बटूर सातवें, वडोदरा आठवें, इंदौर नौवें और ग्रेटर मुंबई 10वें स्थान पर है। 10 लाख से कम आबादी वाले टॉप 10 शहरों की लिस्ट में शिमला पहले, भुवनेश्वर दूसरे, सिलवासा तीसरे, काकीनाडा चौथे, सालेम पांचवें, वेल्लोर छठे, गांधीनगर सातवें, गुरुग्राम आठवें, देवनागेर नौवें और तिरुचिपल्ली 10वें स्थान पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस की लिस्ट में इंदौर पहले, सूरत दूसरे, भोपाल तीसरे, पीपरी चिंचवाड़ चौथे, पुणे पांचवें, अहमदाबाद छठे, रायपुर सातवें, ग्रेटर मुंबई आठवें, विशाखापट्टनम नौवें और वडोदरा 10वें स्थान पर है। 10 लाख से कम आबादी वाले म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस की लिस्ट में नई दिल्ली पहले, तिरुपति दूसरे, गांधीनगर तीसरे, करनाल चौथे, सालेम पांचवें, तिरुपुर छठे, बिलासपुर सातवें, उदयपुर आठवें, झांसी नौवें और तिरुनेलवेली 10वें नंबर पर हैं। ये लिस्ट भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। इस बार इस प्रतियोगिता में कुल 111 शहरों ने हिस्सा लिया था। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में साफ सफाई, ईज ऑफ लिविंग समेत कई अन्य मसलों को लेकर रैंकिंग जारी की गई है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली।